सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 11 दिसंबर। कर्म मार्ग से जाते समय नाम की अत्यंत आवश्यकता होती है। परमार्थ साधने के लिए बड़ी उदार वृत्ति आवश्यक है। मनुष्य का मन विशाल हो तो परमार्थ सदता है। जो मन से धनवंत होगा वही संत बनेगा। गृहस्थ घर की सारी वस्तुएं दान न कर दे, ये सच है, परंतु प्रसंग आने पर सर्व देने की मन की तैयारी होनी चाहिए, ये भी सच है। सच में भगवान को सर्वस्व देने की अपेक्षा स्व देना सीखना चाहिए। स्व देने पर सर्व न भी दिया तो चलेगा, कारण उस अपने पर अपना स्वामित्व रहता नहीं। इसके विपरीत सर्व देकर यदि स्व देना रह जाए तो सर्व देने का संतोष नहीं मिलता। भगवान को स्व देना यानी मैं उसका हूं, ये भान रात दिन मन में रखना है। वैदिक कर्म से चित्त शुद्धि होती है, परंतु ये चित्त शुद्धि जिस भगवान की प्राप्ति के लिए करनी है, उस भगवान का अधिष्ठान उस वैदिक कर्म में नहीं होगा तो कर्म मार्ग का पर्यवसान कर्मठता में हो जाता है। इसके अलावा आज की सद्य स्थिति में बदलाव होने के कारण वैदिक कर्म जैसे होने चाहिए वैसे होते नहीं, इसलिए हम कर्म मार्ग से जाएं तो कर्म की पूर्तता होने के लिए भगवान के नाम की अत्यंत आवश्यकता होती है। जो मनुष्य कर्म मार्ग मनपूर्वक करते हैं, परंतु उनके लिए केवल कर्म करना यही सर्वस्व है, ऐसी जो कर्मठता की भावना उत्पन्न होती है, उस बारे में मेरा आक्षेप है। कर्म मार्गी मनुष्य के संयम और अनुशासन के प्रति मेरे मन में आदर भाव ही है। एक राम नाम लेने से सारे धर्म के बंधन माफ हो जाते हैं, ऐसा समझना सच नहीं। परंतु कर्म से चित्त शुद्ध होने के साथ नाम से उसके अस्तित्व का भान जागृत रहता है। इतना ही नहीं, पूर्ण चित्त शुद्धि होकर कर्म गल जाता है और केवल नाम ही बचा रहता है, और भगवान से एक रूपता होने पर वो उसमें विलीन हो जाता है। राम नाम ये केवल मंत्र नहीं तो वो एक सिद्ध मंत्र है। वो हमें भगवान के पास ले नहीं जाता, बल्कि भगवान को हमारी ओर खींच कर लाता है, ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। चाहे जो भी हो, उसके नाम के इस सामर्थ्य का प्रत्यंतर देखना चाहिए। राम नाम ये देह बुद्धि को जलाने वाली अग्नि है। राम नाम ओंकार का ही स्वरूप है, वो सभी कर्मों का और साधनों का प्राण है। भगवान श्री शंकर से लेकर श्री समर्थ रामदास जी तक जो जो महासिद्ध होकर गए, उन सभी ने राम नाम को अपने कंठ में धारण किया। राम नाम का 3.5 करोड़ जाप जो करेगा, उसे भगवान का अनुभव आए बिना नहीं रहेगा। राम नाम का आधार लेकर हम सभी राम से जुड़ जाएं। नाम लेते समय जो घटित होगा वो अच्छा और हमारे कल्याण का ही होगा, ये भरोसा रखें। नाम के लिए ही नाम लें, फिर उसी में राम है ये निश्चित ही समझ में आएगा। जानकी जीवन स्मरण, जय जय राम।